नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 30 दिसंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार पुलिस में कांस्टेबल पदों पर नौकरी का मौका। कोरोना के मामलों में हुई बढ़ोतरी के बाद बिहार का जेल प्रशासन भी हुआ। बिहार में बुलेट ट्रेन का सपना जल्द ही होगा साकार। बिहार के बुजुर्गों और हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाने की तैयारी। बिहार के 5 जिलों में होगा सीरो सर्वे। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के कांस्टेबल पदों पर नौकरी का मौका। अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं और बिहार पुलिस में आपको सेवा देने की इच्छा है तो आपके लिए हमारी ये खबर कुछ खास है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने हाल ही में विज्ञापन जारी करते हुए कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन की मांग की है, जिसके तहत अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर 18 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार इस प्रक्रिया के माध्यम से बिहार में प्रोहिबिशन, एक्साइज और रजिस्ट्रेशन विभाग में कांस्टेबल के कुल 365 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें जनरल कैटेगरी के 126 पद, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 29 पद, बीसी कैटेगरी के 21 पद, ईबीसी कैटेगरी के 82 पद, बीसी कैटेगरी महिला के 13 पद, एससी कैटेगरी के 88 पद और एसटी कैटेगरी के 6 पद शामिल है। बिहार के बुजुर्गों और हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाने की तैयारी। बिहार में जल्द ही बुजुर्गों और हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाने का काम 10 जनवरी से शुरू होने वाला है। बिहार में इसको लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं, जिसके तहत ही राज्य में 60 साल से अधिक उम्र के करीब 17 लाख बुजुर्गों को इस श्रेणी के तहत बूस्टर डोज दिया जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में केंद्र सरकार को अपनी तैयारियों की जानकारी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग बिहार के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। अधिकारियों की माने तो बैठक में ये तय हुआ है कि राज्य में बुजुर्गों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने को लेकर प्राथमिकता में शामिल करने और उन्हें किस प्रकार और कैसे टीके की खुराक दी जाए, इसके लिए अलग से केंद्र द्वारा दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। खास तरीके से ढूंढे जाएंगे कोरोना के मरीज। बिहार में अब कोरोना मरीजों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाएगा। इसको लेकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने खास तैयारी कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कोषांग की टीम जिलों में स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर कोरोना संक्रमितों की तलाश करेगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कोषांग में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और उप सचिव निरंजन कुमार और उप सचिव राजीव राठौर को प्रभारी पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। इस बाबत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कोषांग के कर्मियों को कोविड 19 पॉजिटिव मामलों की जानकारी मिलते ही संबंधित जिला के जिलाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक और आईडीएसपी कोषांग को सूचित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बुलेट ट्रेन का सपना जल्द ही होगा साकार। बिहार में रहने वाले लोगों को जल्द ही पटना मेट्रो के साथ साथ बुलेट ट्रेन की सौगात भी मिल सकती है। इसको लेकर संबंधित विभाग के द्वारा तैयारी की जा रही है। खबर के अनुसार वाराणसी से बक्सर, आरा, पटना, बिहार शरीफ, नवादा होते हुए हावड़ा तक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। इसको लेकर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ने संबंधित जिले के जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखकर उनसे डीपीआर बनाने में सहयोग मांगा है। आपको बता दें कि मोदी सरकार देश के अलग अलग रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर कई जगहों पर डीपीआर तैयार किया जा रहा है, तो कुछ जगहों पर तैयारी कर ली गई है, तो कुछ इलाकों में काम भी शुरू कर दिया गया है। कोरोना के मामलों में हुई बढ़ोतरी के बाद बिहार का जेल प्रशासन भी हुआ अलर्ट। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सीएम नीतीश ने चेतावनी जारी कर दी है, जिसके तहत ही अब बिहार के जेल प्रशासन में भी सतर्कता जारी कर दी गई है। इसको लेकर बिहार सहित पूरे देश में फिर से जेलों में बंद कैदियों के परिजनों को उनसे मुलाकात के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के लिए बाध्य कर दिया गया है। जेल प्रशासन की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार कैदियों के परिजनों को बिना कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के उनसे सीधी मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। इसके साथ ही कैदी और उनके परिजनों के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। इसका सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। जेल प्रशासन का मानना है कि किसी भी तरह की छोटी सी चूक से जेल के अंदर बड़ा खतरा हो सकता है। बिहार को अगले साल मिलेगा इतने लाख करोड़ ऋण। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार अभियान के साथ साथ राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास को अब पंख लगने वाला है, क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि नाबार्ड ने बिहार के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,45,809 करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता का आकलन किया है। इसको लेकर ही बीते दिन नाबार्ड के तत्वावधान में पटना में आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार के अधिकांश जिले बाढ़, सुखाड़ और अतिवृष्टि, अनावृष्टि के कारण प्रत्येक वर्ष तबाह होते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य में टिकाऊ विकास के मॉडल पर काम करने की जरूरत है। इटली और जर्मनी
पानी के लाइटों से सजाया जाएगा महाबोधि मंदिर परिसर। आने वाले समय में महाबोधि मंदिर परिसर और ज्यादा खूबसूरत दिखने वाला है, क्योंकि पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए और मंदिर परिसर को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए आने वाले समय में इटली और जर्मनी के लाइटों से सजाया जाएगा। इसको लेकर मंदिर परिसर में लगाई गई इटली और जर्मनी की लाइटों का ट्रायल हो चुका है और इसे पूरी तरह से चालू करने से पहले थाईलैंड के टेक्नीशियन फाइनल टच देंगे। हालांकि अभी इसमें देरी देखी जा रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विमानों की गया से आवाजाही शुरू नहीं होने के कारण टेक्नीशियन बोधगया नहीं पहुंच रहे हैं। इस कारण लाइटों को पूर्ण रूप से चालू नहीं किया जा रहा है। इस बारे में डीएम अभिषेक सिंह ने बताया है कि लाइटों को अंतिम रूप से ट्रायल कर चालू करने के लिए थाईलैंड के एक्सपर्ट को आना है। एनएमसीएच पहुंची केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम। बिहार में कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के बीच तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बिहार में तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग कितनी तैयार है, इसका जायजा लेने के लिए खुद केंद्रीय टीम इन दिनों बिहार दौरे पर है। इसी कड़ी में बीते दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने पटना के एनएमसीएच का जायजा लिया। साथ ही केंद्रीय दल ने पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निरीक्षण भी किया। केंद्रीय टीम मुख्य रूप से पैथोलॉजी विभाग का जायजा लेने पहुंची और आधारभूत संरचनाओं, खासकर की ऑक्सीजन की आपूर्ति के संबंध में जानकारी ली। केंद्रीय टीम ने अस्पताल के वार्डो और परिसर का भी मुआयना किया। विभाग के सूत्रों ने बताया है कि बिहार में भले ही ओमिक्रॉन के मामले अब तक नहीं मिले हैं, बावजूद केंद्रीय टीम अपने साथ एक प्रेजेंटेशन लाई है जिसे स्वास्थ्य अधिकारियों को दिखाया गया है। बिहार परिवहन ने इस साल शुरू की 25 इलेक्ट्रिक और 50 सीएनजी बसें। बिहार परिवहन क्षेत्र में कई नई सुविधाओं की शुरुआत इस बार हुई है। शहर की सड़कों पर 25 इलेक्ट्रिक और 50 सीएनजी बसों का परिचालन शुरू किया गया है। इतना ही नहीं, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग रूट में 70 नई डीजल बसों का परिचालन भी शुरू हुआ है। इसमें सामान्य बसों के साथ साथ कुछ सेमी डिलक्स और डीलक्स बसें भी शामिल थी। इससे न केवल शहर के भीतर लोगों के लिए एसी बसों से आरामदेह सफर शुरू हुआ, बल्कि प्रदेश के दूरवर्ती जिलों में भी आना जाना आसान हो गया। साथ ही लोगों का खर्च भी घटा। शहर में इलेक्ट्रिक बस का सफर 2 मार्च को शुरू हुआ। सीएम ने 12 बसों का उद्घाटन किया और इसी के साथ शोर और प्रदूषण रहित एसी बसों में आरामदायक सफर की शुरुआत हुई। बाद में 13 और भी इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू हुआ, जो पटना के साथ साथ राजगीर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे जगहों पर भी आने जाने लगे। बिहार के 5 जिलों में होगा सीरो सर्वे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि देश भर के कई राज्यों में अब तक हो चुकी है, जिसके बाद बिहार में भी ओमिक्रॉन के फैलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि बीते 3-4 दिनों से आए मामलों में गजब का उछाल देखने को मिल रहा है, जिसके बाद ही अब बिहार का स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट हो गया है। यही कारण है कि जल्द ही बिहार में पटना सहित 5 जिलों में सीरो सर्वे का काम शुरू होने वाला है। इस सीरोलॉजिकल सर्वे के जरिए कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद बनी प्रतिरोधक क्षमता की पहचान की जाएगी। सीरो सर्वे पटना के अलावा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया जिले में भी होगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि संबंधित जिले प्रदेश के बड़े जिलों में शामिल है। यहां सबसे अधिक अलग अलग प्रदेश से लोगों का आना जाना होता है। मिली जानकारी के अनुसार यहां पहली और दूसरी लहर में संक्रमितों की एंटीबॉडी की जांच होगी। बिहार के इन जिलों में 6-8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने के आसार। बिहार में ठंड का प्रभाव बारिश के साथ ही बढ़ने लगा है। मंगलवार से बिहार के विभिन्न जिलों में हुई बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसी को ध्यान में रखते हुए मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज और कल शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान के अनुसार आज और कल शीत दिवस और इसके बाद शुक्रवार से प्रदेश भर में घने कोहरे की चादर बिछने के आसार है। साल 2022 का आगाज कोहरे से होगा। नए साल में शीतलहर की शुरुआत का पूर्वानुमान है। मंगलवार को दोपहर बाद से मौसम ने अचानक करवट ले ली थी। आसमान में बादल छा गए थे। तेज पुरवैया चलने से वातावरण में ठंडक महसूस की जाने लगी। आईएमडी पटना की तरफ से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, अपने साथ हल्की से मध्यम बरसात और मेघ गर्जना के साथ ठंड का लेकर आया है। दिल्ली में डॉक्टरों पर उठी लाठी के कारण बिहार में हुआ विरोध। दिल्ली में नीट पीजी काउंसलिंग जल्द करवाने की मांग को लेकर डॉक्टरों ने हाल ही में अपना विरोध प्रदर्शन किया था। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने डॉक्टरों के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब मेल डॉक्टरों के साथ साथ महिला डॉक्टरों के साथ भी पुलिस ने मारपीट की, जिसके बाद से ही देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश का माहौल है, जिसकी आंच बिहार में भी देखने को मिली। दिल्ली में हुए वाक्य का ही परिणाम रहा कि बीते दिन पटना में पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन बिहार के आह्वान पर डॉक्टरों ने ब्लैक डे के रूप में इसे मनाया। राज्य के डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया। एक ही प्लॉट को एक से अधिक लोगों को बेचने पर लगेगी रोक। बिहार में जमीन म्यूटेशन को लेकर अब एक नया कानून लागू कर दिया गया है, जिसके तहत एक ही जमीन को कई लोगों के द्वारा खरीदे जाने की झंझट खत्म होने वाली है, जिसके तहत ही अब प्लॉट के नक्शे के साथ म्यूटेशन की अनिवार्यता वाला कानून लागू हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप अब जमीन की म्यूटेशन कराने पर आवेदक की याचिका में उनके हिस्से के प्लॉट का नक्शा भी रहेगा।
अब एक ही जमीन कई लोगों के हाथों नहीं बिक सकेगी, जिससे मुकदमा और झड़प की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। हाल ही में बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसको ही अब राज्यपाल की अनुमति मिल गई है और इसे गजट में प्रकाशित कर दिया गया है। सीबीएसई देगा स्टूडेंट्स को बेहतर कॉलेज करियर की जानकारी। सीबीएसई से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अहम सूचना। अक्सर 12वीं के बाद छात्रों को अपने आगे के भविष्य को लेकर संशय का सामना करना पड़ता है। कई बार छात्र समझ ही नहीं पाते हैं कि 12वीं के बाद उन्हें करना क्या है। हालांकि अब सीबीएसई में पढ़ने वाले छात्रों को इस संशय की स्थिति से नहीं गुजरना होगा, क्योंकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों को बेहतर कॉलेज और करियर के विकल्प की पूरी जानकारी देगा। नई शिक्षा नीति के तहत बोर्ड की तरफ से काउंसलिंग पोर्टल बनाया गया है। बोर्ड ने यह 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को करियर और कॉलेज की जानकारी देने के लिए किया है। इससे छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार सैकड़ों कोर्स की जानकारी मिलेगी। राज्य की विघटित कृषि उत्पादन बाजार समितियों का होगा कायाकल्प। साल 2006 में बिहार में करीब 54 बाजार समितियों को विघटित कर दिया गया था, जिसके बाद अब इन्हीं बाजार समितियों के कायाकल्प की तैयारी शुरू होने वाली है। इसको लेकर बिहार सरकार की तरफ से ठोस पहल शुरू कर दी गई है। कुछ समय पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के सभी जिलों में कृषि बाजार समितियों का जीर्णोद्धार निर्माण चरणबद्ध तरीके से कराने की घोषणा की थी। उनकी इसी घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए सीएम की पहल से कृषि विभाग ने चरणबद्ध तरीके से बाजार समितियों के जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिसके तहत ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने हाजीपुर स्थित बाजार समिति के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ बीते दिन कर दिया। ग्रामीण मार्ट से जीविका दीदियों को हो रही है अच्छी आमदनी। बिहार सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में लगातार लगी हुई है। इसी कड़ी में अब जीविका दीदियों को बिहार सरकार एक और बड़ी जिम्मेदारी देती दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग अब गांव में ग्रामीण मार्ट खोल रहा है। अब तक पूरे बिहार में 61 ग्रामीण मार्ट खुल चुके हैं और इन ग्रामीण मार्ट के माध्यम से जीविका दीदियों को सस्ते मूल्य पर सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये बात जदयू के जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कही है। मंत्री जी की माने तो इन ग्रामीण मार्ट के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, सस्ते दर पर सामान भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। जीविका दीदियों को कई कार्यों में लगाया गया है, चाहे वो पशु सखी का काम हो या फिर पशुपालन, मत्स्य पालन या फिर बैंक से जुड़े कार्यों में भी उनकी भागीदारी है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की डेट जारी। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार ने बिहार पुलिस प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए नोटिस जारी कर दिया है। आयोग ने कांस्टेबल के पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की डेट रिलीज कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। जारी नोटिस के अनुसार लिखित परीक्षा 27 फरवरी 2022 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास वैध एडमिट कार्ड होना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड के संबंध में नोटिस अलग से जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। में बढ़ रही है जौ, बाजरा, ज्वार, मड़ुआ, सांबा और कोदो की खेती। बिहार की खेती में समय के साथ बदलाव देखने को मिल रहा है। सिर्फ किसान ही नहीं, अब तो बिहार सरकार भी परंपरागत खेती में शामिल जौ, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, सांबा एवं कोदो की खेती को भी सरकार बढ़ावा दे रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पटना के निदेशक डॉक्टर उज्जवल कुमार का कहना है कि रासायनिक खादों के उपयोग से किसानों का मोह भंग होने लगा है। आलम कुछ यूं है कि अब वो एक बार फिर अपनी परंपराओं की ओर लौटना चाहते हैं। प्रगतिशील किसान जीरो बजट की खेती को प्राथमिकता दे रहे हैं। प्रदेश के प्रगतिशील किसानों के लिए जीरो बजट की खेती खूब भा रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक के घर हुई छापेमारी। बीते दिन कांग्रेस के पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना के आवास पर छापेमारी की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार अमित कुमार टुन्ना के ऊपर प्रखंड प्रमुख के चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि अमित कुमार टुन्ना के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उन्होंने प्रखंड प्रमुख चुनाव को प्रभावित करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज सदस्यों को अपने घर पर रखा हुआ था। इसी सिलसिले में पूर्व विधायक के आवास पर छापेमारी की गई। हालांकि खबरों की माने तो पंचायत समिति सदस्यों को पूर्व विधायक के द्वारा जबरन अपने घर में रखे जाने की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस को खाली हाथी लौटना पड़ा था। मुजफ्फरपुर में आग बबूला हुए सीएम नीतीश। अपने समाज सुधार अभियान के तहत सीएम नीतीश बीते दिन मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी खूब भड़ास निकाली। दरअसल बीते दिन सीएम नीतीश की आयोजित जनसभा में जदयू कार्यकर्ता और पुलिस पदाधिकारियों के बीच में भिड़ंत हो गई थी, जिसको देखकर ही सीएम नीतीश काफी ज्यादा भड़क गए थे। भड़के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी को बाहर का रास्ता दिखाया, जिसके बाद ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया कि अगर आप लोगों को समाज सुधार से मतलब नहीं है तो फिर बाहर चले जाए। कोई भी कुछ कह रहा है तो कहने दीजिए। कभी इंसान का स्वभाव 100% सही नहीं हो सकता, इसीलिए ही अभियान चलाया जा रहा है। हम लोगों से बात कर रहे हैं और आप लोग हल्ला करने में लगे हैं। इसी दौरान जिले के MIT मैदान में समाज सुधार अभियान का कार्यक्रम आयोजित था। मौके पर SP जयंत कांत भी मौजूद थे।
मंत्री जीवेंद्र मिश्रा ने जनता को भटकाने की कोशिश नहीं करने की दी नसीहत। बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने हाल ही में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद अब बिहार सरकार के मंत्री जीवेंद्र मिश्रा ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि बिहार विशेष राज्य ही है। आप बार बार यह क्यों सुनना चाहते हैं? हमने पहले भी कहा था कि बिहार विशेष है, हम लोग विशेष रूप से बिहार में काम कर रहे हैं। बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार हमेशा से विशेष पैकेज देती रही है। मंत्री जीवेंद्र मिश्रा ने कहा कि जो लोग विशेष राज्य की चर्चा करते हैं उनको पता होना चाहिए कि विशेष राज्य के लिए कुछ नियमावली बनाए गए हैं, जिसके अनुसार मैदानी भाग के राज्य विशेष राज्य के दर्जे के लिए फिट नहीं बैठते हैं और यह नियम यूपीए सरकार के द्वारा बहुत पहले ही बनाई गई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की 1906 में स्थापना ढाका में हुई। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में पोर्ट ब्लेयर में भारत की आजादी का झंडा लहराया। भारत ने 1949 में चीन को मान्यता दी। सुरेश शेख गांगुली ने 2008 में 46वें राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। प्रथम भारतीय शतरंज मास्टर मैनुअल आरो का 1935 में जन्म आज के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार और हिंदी प्रेमी वेद प्रताप वैदिक का 1944 में जन्म आज के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार और कादम्बिनी पत्रिका के संपादक राजेंद्र अवस्थी का 2009 में निधन आज के दिन हुआ था। आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए रविचंद्रन अश्विन हुए नामित। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने साल 2021 के बेस्ट प्लेयर अवार्ड टेस्ट के लिए 4 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया है। इसमें से कोई एक खिलाड़ी साल का बेस्ट प्लेयर चुना जाएगा। आईसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके बारे में जानकारी दी है। आईसीसी ने 4 खिलाड़ियों में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन, श्रीलंका के दिमुथ करुणा रत्ने और भारत के रविचंद्रन अश्विन को शामिल किया है। टीम इंडिया के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी इस साल बेहतरीन प्रदर्शन किया है। गेंद से तो उन्होंने उम्दा काम किया ही, साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्होंने बल्ले से भी टीम के लिए अपना योगदान दिया है। अश्विन ने 8 टेस्ट मैच में 52 विकेट हासिल किए हैं, साथ ही 337 रन भी बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक भी निकला है। अश्विन आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर की रैंकिंग में नंबर 2 पर है, यानी अश्विन भी इस अवार्ड के प्रबल दावेदार है। 14वीं राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने हासिल किया दूसरा स्थान। 14वीं राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाया है, जिसके तहत 14वीं राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने दूसरा स्थान हासिल कर दिया है। ज्ञात हो इस प्रतियोगिता का आयोजन 24 दिसंबर से 26 दिसंबर तक हुआ था। इस प्रतियोगिता में कई खिलाड़ियों ने बिहार की तरफ से भाग लिया था। बिहार के खिलाड़ियों की इन दिनों खूब सराहना भी हो रही है। बिहार ने सभी राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार ने इस प्रतियोगिता में कुल 29 स्वर्ण और 10 कांस्य पदक हासिल किए हैं। खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा के बल पर बिहार को एक बार फिर से देश में पहचान दिलाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बयान पर बिहार में सियासत। कहने को बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है, इसकी जानकारी आपको और हमें दोनों को ही है। इसी बीच शराबबंदी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का बयान भी सामने आया था, जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश का शराबबंदी पर बयान भी अब तुल पकड़ने लगा है। उनके बयान के बाद कांग्रेस ने शराबबंदी कानून को अदूरदर्शी बताया है। इस बाबत कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि शराबबंदी लागू करते वक्त हम लोगों ने भी समर्थन किया था, लेकिन जो तरीका है उस पर बराबर हम लोग कहते रहे हैं कि बिहार में बड़ी मछली नहीं पकड़े जा रहे हैं, छोटी मछलियों को पकड़कर सरकार इस शराबबंदी को सफल बताती आ रही है, जो कि गलत है। शराबबंदी कानून को लेकर जो बात मुख्य न्यायाधीश ने कही है वो बिल्कुल सही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, गौतम कुमार, माही आनंद, पंकज कुमार, विकास गुप्ता, अजय एडजिट, कमल बिहारी ऑफिशियल, अशोक कुमार, रोहित कुमार, बबीता यादव, अमित कुशवाहा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में कोरोना के बढ़ रहे मामलों का अहम कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।